हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ मॉडर्न एल्जेब्रा। सो प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन छोड़ करके गए थे आपको ये सॉल्व करने के लिए, कर लिए होंगे। देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू लिखा हुआ है RST। a में तीन एलिमेंट्स हैं, a एक सेट है और हम पूछे थे क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है। बिल्कुल सही जवाब, आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। आप बोलेंगे सर ये बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो एप्सिलॉन होता है ये बिलोंग्स टू, और ये किसको किसको कनेक्ट करता है, ये एक एलिमेंट को सेट के साथ कनेक्ट करता है। क्या ये एलिमेंट है? यस। क्या ये सेट है? यस, एकदम बिल्कुल सही। ठीक है, फिर यहाँ पे सबसेट, ये किसको किसको कनेक्ट करता है? दो सेट्स को कनेक्ट करता है। क्या ये सेट है? यस। क्या ये सेट है? यस। तो ये भी हमारा सही है। अब यहाँ पे एक सबसेट है, तो यहाँ पे तो हमको एलिमेंट दिख रहा है, इधर सेट दिख रहा है, तो सबसेट का काम एलिमेंट और सेट को कनेक्ट करना नहीं होता, तो ये है गलत और ये भी है गलत। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। एक नया तरह का सेट जिसको बोलते हैं पावर सेट, इसका पहले एग्जांपल देखो फिर डेफिनेशन देखना, क्योंकि एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कोई एस नाम का कोई सेट है, ABC, ठीक है, इसमें हम पावर सेट इसका बनाना चाहेंगे, तो सबसे पहले तो एक एम्प्टी सेट या नल सेट बनाओगे, फाई ये सब में रहेगा। कोई भी सेट का तुम पावर सेट बनाओगे उसमें फाई तुमको पहले लिखना ही लिखना है, फाई रह गया। अब देखो सबका जितना कॉम्बिनेशंस बन सकता है सब को पुट कर दो। ए अकेला हो सकता है, बी अकेला हो सकता है, सी अकेला हो सकता है, ए बी का कॉम्बिनेशन, ए सी का कॉम्बिनेशन, फिर बी सी का कॉम्बिनेशन और बाकी लास्ट में सबका कॉम्बिनेशन। समझ में आया? पावर सेट समझ में आया ना? पावर, एकदम पावरफुल सेट, उसके सब कुछ अंदर कंसिडर कर दिया जाएगा, राइट। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसको हम एलिमेंट्स के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, इसको सेट्स के फॉर्मेट में लिखेंगे। ये अंदर जो सेट लिखा हुआ है ये क्या है? सारे के सारे सेट्स हैं। फाइव ही सेट है, ये भी सेट है। कैसा सेट है? सिंगलटन, पता है ना? ये भी सिंगलटन, ये भी सिंगलटन, और ये सारे सेट्स हैं। अब डेफिनेशन देखो, इफ कैपिटल एस इज एनी सेट, कैपिटल एस कोई एनी सेट है, देन फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स, फैमिली ऑफ सेट्स या क्लास ऑफ सेट्स, ये सब चीज सीख चुके थे, सेट्स का कलेक्शन, ये क्या है? फैमिली ऑफ सेट्स है या फिर क्लास ऑफ सेट्स है। ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एस इज कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ एस, इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ एस, वही से डिनोट किए हैं। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, जैसे पी ऑफ एस इज इक्वल टू फिर टी सच दैट टी इज अ सबसेट ऑफ एस, फाई एंड एस आर बोथ एलिमेंट्स ऑफ पी ऑफ एस। आई होप क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड एक थ्योरम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इफ अ सेट एस हैज एन एलिमेंट्स देन द पावर सेट ऑफ एस हैज टू टू द पावर ऑफ एन एलिमेंट्स। ये थ्योरम अभी याद रखना है। इसका प्रूफ कब देखेंगे? किस लेवल पे? लेवल 3 पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसी एग्जांपल से यहाँ रिलेट करते हैं। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस कितना है? सपोज इसको हम एन से शो कर रहे हैं, काउंट करो, 1 2 3, तीन हो गया। तो यहाँ पे पावर सेट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट P of S कितना होना चाहिए? 2 to the power 3 होना चाहिए। 2 2 4 2 8, 8 है ना। अब काउंट करते हैं, क्या हमारा 8 पुर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। तो समझ में आ गया पावर सेट का सब कुछ, अच्छे से समझ में आएगा। नोट कर लीजिए, छाप लीजिए। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैपिटल यू से शो करते हैं। इन एनी एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन विल लाइकली टू बी सबसेट्स ऑफ अ फिक्स्ड सेट, दिस सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट या फिर यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर। सिंपल से आसान भाषा में यूनिवर्सल सेट मतलब जिससे आप चीज़ों को डिराइव कर रहे हो, कोई भी एक फिक्स्ड सेट है उसी से आपने कोई भी चीज़ को आप उठा लिया स्टडी करने के लिए, तो कहीं से तो आपने उठाया होगा ना वो सारे चीज़ों को स्टडी करने के लिए, तो जहाँ से आपने उठाया उस पूरे डोमेन को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। एग्जांपल समझना, ऑल पीपल इन द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्सल सेट इन एनी स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। सपोज आपने कुछ आप डेमोग्राफिक्स कर रहे हो, ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, तो यूनिवर्सल सेट आपके टोटल आ जाएंगे,
अभी आबादी कितनी है भारत की? लगभग 130 करोड़, मतलब जनरली तो बढ़ते जाता है ना। अभी मैं जब मैं आप सुन रहे हो वीडियो, हो सकता है कि जब तक आप देख रहे हो वीडियो तो उस समय 130 करोड़ से 140 करोड़ क्रॉस कर चुका होगा। लाइव आप देख सकते हो, स्टैटिस्टिक्स दे सकते हो कितना तेजी से आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो अगर आप कुछ ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में आप स्टडी कर रहे हो तो उस केस में यूनिवर्सल सेट आपका पूरा का पूरा जो आबादी है वो कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, आपको मेल फीमेल ट्रांसजेंडर बाकी सब के बारे में, सपोज आपको जेंडर स्टडीज करनी है तो आपका यूनिवर्सल सेट कंप्लीट क्या हो जाएगा, सब के सब आ जाएंगे, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो सब के सब आपके कहला जाएंगे यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि ये एक फिक्स्ड सेट है, ये चेंज नहीं कर सकता। अब इसी सेट को दूसरा नाम दिया गया है यूनिवर्सल, यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर। तो आप इसको यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हो या फिर यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर भी बोल सकते हो। ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ विच ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखो, इन प्लेन ज्योमेट्री द यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन। सपोज आप 2D ज्योमेट्री की बात कर रहे हो तो उसमें आप कुछ भी डेराइव करोगे 2D, 2D में, तो आपका वो प्लेन के बारे में स्टडी करोगे। सपोज ये एक प्लेन है और इसके बारे में आपको कुछ स्टडी करनी है तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जाहिर सी बात है ये सारे के सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, जो इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें हैं, जो इनफाइनाइट पॉइंट्स से ये पूरा का पूरा प्लेन बना हुआ है वो बन जाएंगे आपके यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब देखो वेन डायग्राम्स, तो वेन डायग्राम्स का एक्चुअल नाम होता है वेन ऑयलर डायग्राम। तो दोनों ने मिलकर के डायग्राम बनाया था, हो सकता है कुछ क्लैश हुआ हो कि वेन जी ने ऑयलर का नाम हटा दिया। मोस्ट पॉपुलरली वेन डायग्राम्स के नाम से कहलाया जाता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, जो हमारे ऑयलर जी हैं इनका भी बहुत नाम है। ऑब्वियसली तुम फ्लूइड डायनेमिक्स उठा लो, मैथमेटिक्स उठा लो, ऑयलर्स इक्वेशन आएगा आएगा। वेन जी का सिर्फ हम वेन डायग्राम्स में नाम सुने और तो हम कहीं सुने नहीं, इसका भी हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हो। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल्स और सर्कल्स। तो रेक्टेंगल्स और सर्कल्स के टर्म्स में अगर आप कुछ डायग्रामेटिक फॉर्म में आप सेट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो वैसे डायग्राम को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम या फिर वेन ऑयलर डायग्राम। ये जब आप बड़ा सा ट्राइंगल दिखाते हो ना तो ये जो पूरा बाउंड्री आप है ये पूरा डब्बा रिप्रेजेंट करता है आपका यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर जो दो गोले गोले हैं ये आपको शो करता है सेट्स, इंडिविजुअल सेट्स। इसका अलग अलग टाइप का डायग्राम्स भी बनता है वो हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इंट्रोड्यूस किए हैं एक तरह का डायग्राम होता है जिसको वेन ऑयलर डायग्राम बोलते हैं, जो यूज होता है आपके सेट्स को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, नोट करिए इसको। यूनियन ऑफ सेट्स, ए यूनियन बी, ये जो कैपिटल यू है ना इसको अब यूनिवर्सल मत समझ लेना, ये यूनियन का सिंबल है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो जब भी यूनियन की बात होगी इसमें और की बात होगी, और एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। कहने का ये मतलब जो आपके पास ए में है वो तो होगा ही, साथ में जो बी में है वो भी होगा। तो ये वाला मेरा एक वेन डायग्राम है, और ए और बी सपोज इस तरह से हम डायग्राम बना दिए, और एक्स बिलोंग्स टू ए, ये जो वैल्यूज है कुछ ए में हो सकती है कुछ बी में हो सकती है, हो सकता है दोनों में हो, लेकिन इसको डायग्राम में हम कैसे शो करेंगे? इसको डायग्राम में हम पूरा का पूरा शेड कर देंगे, पूरा का पूरा शेड कर देंगे। ठीक है, अब इसको गौर से समझना। इसको देखो शेडिंग का स्टाइल हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किए इधर, और इसका शेडिंग का स्टाइल थोड़ा इधर चेंज कर दिया, अलग अलग दिख रहा है। इसका नाम हम दे दे रहे हैं सपोज नंबर वन, इसका नाम दे दे रहे हैं सपोज नंबर टू, और इसका नाम दे दे रहे हैं सपोज नंबर थ्री। नंबर वन कौन सा है? सिर्फ ये वाला चांद जैसा तुमको दिख रहा है, ये पोर्ट, ये पार्ट, और फिर नंबर टू जो अंदर ब्लैक कलर का डार्क शेडेड है वो टू, और नंबर थ्री जो इस साइड से चांद इस साइड घुमा हुआ है वो थ्री। अगर हम बोले कि बताइए यहाँ पे ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो डायग्राम से तुम क्या बोलोगे कौन सा एरिया हो जाएगा? एरिया वन प्लस एरिया टू प्लस एरिया थ्री, ये तीनों अलग अलग पार्ट, तीनों को तो जब तुम जोड़ दोगे तब ये बन जाएगा तुम्हारा यूनियन, और यूनियन को ही हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में और से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, चार एलिमेंट्स हैं इसके पास,
बी है एफ बी डी जी, इसके पास भी चार एलिमेंट्स हैं। अगर हम इसमें ए यूनियन बी फाइंड करना चाहे तो हमको हो जाएगा कि जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं वो तो होंगे ही, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो भी होंगे, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो ए है, पहले देख लो ए है क्या इसमें, नहीं है, तो आप ए लिख दो, फिर यहाँ पे आप बी लिख दो, पहले आप एसी को लिख दो, ए वाले को पूरा लिख दो, ए बी सी डी लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, एफ है क्या इसमें, एफ नहीं है लेकिन हमको लेना पड़ेगा क्योंकि हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं। बी है क्या इसमें, हाँ है, ले लिए ऑलरेडी, छोड़ दो। डी है क्या, हाँ है, ले लिए छोड़ दो। फिर जी, जी नहीं है तो आप जी डाल दोगे। समझ में आया यूनियन क्या होता है? उसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में आओ, ए यूनियन बी अगर मुझे यहाँ फाइंड करना है तो सबसे पहले तो हम इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 8, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब बी में देखो, जीरो है क्या, नहीं है, तो लिखो यहाँ। टू है क्या, हाँ है, छोड़ दो। फोर कंसिडर किया हुआ है, सेवन नहीं है, नाइन नहीं है, तो जो जो कंसिडर किया हुआ है उसको वैसे छोड़ देंगे और जो नहीं लिया रहेगा उसको हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये बन जाएगा मेरा ए यूनियन बी। अब यहाँ पे आ जाएंगे, ए यूनियन बी अगर इसमें मुझे फाइंड करना है तो सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे, ए बी सी और डी लिख दिए हैं। अब यहाँ देखिए, ए लेना है लेकिन ए ऑलरेडी है, छोड़ दीजिए। बी लेना है, बी ऑलरेडी है, छोड़ दीजिए। तो ये बन जाएगा मेरा ए यूनियन बी। लेकिन इसमें नोट करने ये बात है कि आपका ये वाला जो सेट है इस वाले सेट का एक सब सेट है ना, तो आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो बी सेट है ये हमारा सब सेट है ए वाले सेट का। क्लियर हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल में आइए, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल मेल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। एक कॉलेज है उसमें सारे मेल स्टूडेंट्स की बात हो रही है, सारे मेल स्टूडेंट्स को आपने कलेक्ट करके रख लिया तो वैसे सेट को बोलेंगे हम सेट ए, और सारे फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको कलेक्ट करके रख लिया तो बोलेंगे सेट बी। अब हम पूछे कि ए यूनियन बी बताइए, तो ए यूनियन बी क्या बोलोगे कि मेल स्टूडेंट्स हैं फीमेल स्टूडेंट्स हैं, दोनों को ही कलेक्ट करके रख लिया, मतलब पूरे कॉलेज को ही कलेक्ट, पूरे कॉलेज स्टूडेंट्स को ही कलेक्ट करके रख लिया, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ All students, set of all students in a college. All students in a college. तो ये किसका सेट बन गया, यूनियन हो गया सारे स्टूडेंट्स का। ध्यान रहे पूरे कॉलेज का नहीं बोल रहे, क्योंकि कॉलेज में सिर्फ स्टूडेंट थोड़ी रहेंगे ना, प्रोफेसर रहेंगे, डायरेक्टर रहेंगे, स्टाफ रहेंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ रहेगा, ठीक है, वर्कर्स काम करने वाले सब रहेंगे, तो उसको तो नहीं लेना है आपको, तो सिर्फ स्टूडेंट्स का कराया गया ना, तो ये स्टूडेंट्स का, ये आपका यूनियन वाला हो गया। एग्जाम्पल फाइव में आइए, ए इज इक्वल टू 135 डॉट 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 बोला है, किस तरह का सेट है ये, इनफाइनाइट सेट है। बी भी कैसा है, इनफाइनाइट सेट है, तो चाहे फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको तो यूनियन लेना है ना, तो हम ले लेते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जब लेंगे तो पहले ये तो लिख ही दिए हम, 135 लिख दिए, ये तो रहेगा ही, साथ में 246 इसमें है क्या, नहीं है, तो हमको लेना पड़ेगा 246, तो हम ले लिए यहाँ पे 246, ठीक है, डॉट 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 कर दीजिए, बस खेल खत्म। इसको हम थोड़ा सा सजा के इस तरह से लिखेंगे, देखो ये थोड़ा अभी जो लिखे वो थोड़ा गंदा तरीका हो गया लिखना, लेकिन अभी जो हम लिखेंगे ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका होगा। जैसे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सेट है सिर्फ ऑड नंबर्स का और ये सेट है सिर्फ इवन नंबर्स का। जब हम ऑड और इवन को जब मिला दे रहे हैं तो क्या आपको ये नहीं लगता कि वो हमको पूरा नेचुरल नंबर से मिल जाएगा, और नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वन से, तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, सारे जो नंबर्स थे वो हम अच्छे से दिखा दिए और फिर हम डॉट 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 दे दिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप इस इतना ही पूरा सब कुछ दिखा दो, आप इस तरह से दिखाओगे तो थोड़ा सा स्टाइल अच्छा लगता है, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है, तो वो भी मेंटेन करके चलना है ना। ठीक है, तो आपने यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब बात आती है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आप लोग जानते हो इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन होता है, फिर भी एक फॉर्मल तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे जो यू होता है ना उसका सिंबल पलट देते हैं, उल्टा यू, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, देखियो किस में लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्मेट में, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। आपको यहाँ पे एंड यूज करना है, एंड एंड एक्स बिलोंग्स टू ई। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास, एंड नहीं लिख करके आप कॉमा लिख सकते हो, दोनों बात बराबर है। एंड लिखेंगे या कॉमा लिखेंगे तो वो होगा हमारा इंटरसेक्शन, और सिर्फ और लिख देंगे तो वो हो जाएगा हमारा यूनियन। डायग्राम में देखिए, ये रहा मेरा वेन डायग्राम। आपको पता है कि बड़ा सा जो ट्रायंगल है ये आपको यूनिवर्सल सेट शो करता है, तो इस सेट के अंदर आपके दो सेट्स हैं ए और बी, इसमें ए है बी है, और आपको शो करना है सपोज इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जो इस दोनों का कॉमन पार्ट हो जाएगा। तो ये जो रेड कलर का शेडेड पार्ट है इसको हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो ए का भी पार्ट है और बी का भी पार्ट है। तो यहाँ पे जो रेड कलर का पोर्शन है ये वाला, ये कहलाएगा मेरा ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप जानते हो, इस तरह से लिखते हो। अब इसका एग्जांपल्स देखो। सपोज आपके पास है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, चार एलिमेंट्स हैं। बी है आपके पास एफ बी डी जी, ये भी चार एलिमेंट्स हैं। अगर हम पूछें कि बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो आप बोलोगे सर जो कॉमन मिलेगा वही है। ए में देखो, ए और बी में कॉमन देखो, यहाँ पे ए खोजो, नहीं है। बी, हाँ बी मिल गया तो बी डाल दो। फिर सी, सी नहीं मिला, डी, हाँ डी मिल गया, बस। समझ में आया? तो आप बोलोगे ना ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी और डी हो गया, बस। दूसरे में आ जाइए, यहाँ पे है 1 3 7 8 2 4 9 11। अगर ए इंटरसेक्शन बी चाहिए मुझे, तो हम पहले से स्टार्ट करेंगे, वन खोजेंगे। क्या वन है दोनों में? नहीं। क्या थ्री है दोनों में? नहीं। क्या सेवन है दोनों में? नहीं। क्या एट है दोनों में? नहीं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बन जाएगा ये बस एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब फाइ, या फिर नल सेट, या फिर वॉइड सेट। तो इसका सिंबल जानते हो ना, ये करली ब्रैकेट बना दो, अंदर में कुछ भी डालो, या फिर एक गोला करो उसका पेट काट दो। तो इसको चार नाम होता है। क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है, एक नल सेट होता है, एक फाइ बोलते हैं, और एक वॉइड सेट बोलते हैं, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, यहाँ पे ए है और बी है। ए इंटरसेक्शन बी मुझे चाहिए, तो कॉमन वाला पार्ट खोजें। क्या वन है कॉमन? नहीं। क्या टू है कॉमन? यस, तो लिखेंगे टू। क्या फोर है कॉमन? यस। क्या सिक्स है कॉमन? नहीं। क्या एट है कॉमन? यस। तो आप ये फाइंड कर लिए इंटरसेक्शन, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जो आपका बी है ये पूरा का पूरा आपका सबसेट है। टू भी है इसमें, फोर भी है इसमें, एट भी है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। तो आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हो, ये जो बी सेट है ये मेरा सबसेट है सेट नंबर ए का। लेकिन इसमें क्या है, कोई सबसेट है क्या? नहीं। इसमें क्या है, सबसेट है क्या? नहीं। ठीक, तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी सीख लें। एग्जाम्पल फोर देखो, ए है सेट ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग फिजिक्स, जो फिजिक्स पढ़ता है। सेट बी है स्टूडेंट्स रीडिंग केमिस्ट्री। तो अगर हम पूछे कि बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, बोलोगे सर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ता है वो ही होगा मेरा ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स रीडिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ, जो दोनों पढ़ेगा वही रहेगा इसमें ए इंटरसेक्शन बी में, राइट। अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा नंबर लाइन से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक सेट है एक्स सच दैट 0 <x> 3, मतलब अगर मुझे ये नंबर लाइन पे शो करना है तो यहाँ पे दो नंबर दिख रहे हैं हमको, 0 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को प्लॉट करके दिखा देते हैं। यहाँ पे लिए हम, और इस सेट में हम यहाँ पे 0 चाहिए 1 3 5, 0 1 3 5, एक ही में हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये पहला, ये सेट ए के लिए हम दिखा रहे हैं, और इधर नीचे हम सेट बी के लिए दिखा रहे हैं। ये भी 0, ये 1, ये 3 और ये 5। फिर देखना क्या करेंगे, यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि 0 और 3 के बीच में सारे नंबर्स, 0 और 3 के बीच में सारे नंबर्स, लेकिन 0 और 3 को इंक्लूड नहीं करना। तो आप 0 को लोगे नहीं, 3 को लोगे नहीं, लेकिन 0 और 3 के बीच में जितने नंबर्स आएंगे वो सब के सब आप कंसिडर करोगे, ठीक है। दूसरा सेट में बोल रहा है कि 1 और 5 के बीच में सारे के सारे नंबर्स, इंक्लूडिंग 1 भी और इंक्लूडिंग 5 भी, ये भी। तो आप सब का सब आप इसमें ले लियो। सेट बी मुझे ये बता रहा है कि आप 1 भी लोगे, 5 भी लोगे, और इसके बीच का सब नंबर्स लोगे, और हालांकि तुम 3 भी ले लोगे। लेकिन सेट ए में ये बोल रहा है कि 0 और 3 के बीच में सारे नंबर्स, लेकिन 0 और 3 को छोड़ करके। अब अगर हम मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, मतलब अगर मुझे दोनों में कॉमन चाहिए, तो देखो सबसे मस्त तरीका क्या होता है दोनों का कॉमन निकालने का, कि हम उसको काट डालेंगे, लाइन से काट देंगे। और ये तरीका यही अप्लाई करना, क्योंकि इसमें गलती नहीं होगा तुम्हारा। जैसे एक सेट है ना, उसको ऊपर बनाना, जो दूसरा सेट है उसको नीचे बनाना। फिर क्या करना कि ये वाला इधर काटो, इधर काटो, इधर काटो, इधर काटो, काट डालो सब। फिर देखो कि हर सेगमेंट्स में तुम्हारे, जिस सेगमेंट में कॉमन दिख रहा है तुमको वही ले लो। तो मेरा कितने सेगमेंट्स हैं यहाँ पे,
ये तो पहला सेगमेंट है मेरे पास, ये है दूसरा सेगमेंट और ये है तीसरा सेगमेंट, दिख रहा है ना? सेगमेंट मतलब ये चीज बोल रहे हैं हम, ये एक पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट और ये तीसरा सेगमेंट। पहले सेगमेंट में आओ, पहले सेगमेंट में हमको तो दिख रहा है सेट ए में कुछ है, लेकिन सेट बी में तो कुछ है ही नहीं। कुछ लेंगे क्या पहला सेगमेंट में? नहीं, तो पहला सेगमेंट से हमको तो कुछ मिला नहीं है आपसे, ठीक है। दूसरे सेगमेंट है तो इसको तो कैंसिल, हटाओ इसको, तो कुछ कॉमन मिला नहीं हमको। सेकेंड सेगमेंट में हमको दिख रहा है इधर भी कॉमन, इधर भी कॉमन, तो इसका काम चलेगा। लेकिन सेट थ्री में हमको दिख रहा है कि सिर्फ सेट बी में है कुछ, सेट ए में नहीं है, तो इसका भी तो काम नहीं चलेगा। हमको किधर ध्यान देना पड़ेगा? हमको सेकेंड सेगमेंट में ध्यान देना पड़ेगा। और हम फाइनली बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, और कुछ नहीं। नंबर लाइन पे पहले बनाओ, उसके बाद सेगमेंट कहाँ से, दो पॉइंट्स लोकेट करो, किस दो पॉइंट के बीच में सेगमेंट लिया गया है, वन और थ्री के बीच में। तो आप यहां लिखोगे वन और इधर लिखोगे थ्री। अब देखो इधर इस लेफ्ट वाले सेगमेंट में क्या वन को इंक्लूड किया गया है दोनों में? ऊपर में तो हमको दिख रहा है कि हाँ वन तो लिया गया है, सेकेंड में भी दिख रहा है कि हाँ वन भी लिया गया है, तो जाहिर सी बात है मेरे को लेना पड़ेगा वन, तो हमको कंसिडर करना ही पड़ेगा, तो हम इसको कंसिडर कर लिए। अच्छी बात है, आगे बढ़िए। फिर दूसरे में देखिए, वन और थ्री के बीच में बाकी के सारे नंबर्स क्या आपको कंसिडर करने हैं? हाँ करने ही हैं। सो वन और थ्री के बीच में सारे के सारे नंबर्स आपको कंसिडर करने हैं। अब सवाल उठता है कि इस एंड पे आकर के क्या थ्री को लेना पड़ेगा? ऊपर में तो बोल रहा है मत लो मत लो मत लो, और नीचे में बोल रहा है ले लो ले लो ले लो, तो दोनों का कॉमन क्या है? कॉमन क्या है यहां पे? देखिए ये तो बोल रहा है मत लो और ये बोल रहा है लो। अगर हम नहीं लेंगे, अगर हम मान लीजिए नहीं लेंगे, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? अगर हम नहीं लेंगे तो फिर ये चीज फिर मेरा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है ना? और अगर हम ले लेंगे तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा, तो ये तो गजब स्थिति हो गई। फिर दोनों में से क्या करें नहीं करें, तो हमको दोनों से एक्चुअली करना क्या, कॉमन चीज लेना है हमको। तो यहां पे इसमें बोल रहा है कि वन से फाइव के बीच में पूरा का पूरा सब कुछ ले लो, लेकिन ऊपर वाला आपको रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि नहीं खबरदार तीन को नहीं ले सकते, ठीक? तो तीन को नहीं लेना है, क्या करेंगे? तीन को नहीं लेंगे, ठीक है? अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा देना, तो उसमें एक्चुअली होता क्या, जब कुछ रेस्ट्रिक्शन लग जाता है ना, तो हम लोग डर जाते हैं, अच्छा रेस्ट्रिक्शन लग गया है, ठीक नहीं लेना है तो नहीं लेंगे। और हम लोग तात्पर्य मतलब हम लोग उत्सुक रहते हैं किसी चीज को लेने के लिए जो जिस पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहता। तो यहां पे रेस्ट्रिक्शंस लगा था कि थ्री को नहीं लेना है, तो नहीं लिए, ठीक? यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम ले लिए, ठीक? समझ में आया? अब इसको आप दिखाएंगे इस फॉर्मेट में, सेट बिल्डर में अगर सपोज आपको दिखाना है तो आप कैसे शो करेंगे? आप बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, किसके किसके बीच में है बताइए? तो वन लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे, लेस देन थ्री लिखेंगे, ये बन जाएगा मेरा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों का कॉमन वाला पार्ट। क्लियर हो गया पूरा? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इसको लाइन डायग्राम से बनाए, फिर आपको ऊपर नीचे करके दिखाए, फिर यहाँ कॉमन करके दिखाए, और इस पर ज़्यादा हम स्ट्रेस किए हैं, ठीक? नेक्स्ट लिखिए। अब देखो डिफरेंस ऑफ सेट, तो डिफरेंस दो सेट के बीच का मेरे को डिफरेंस फाइंड करना है, तो कभी कभी सिंबल ये वाला यूज किया जाता है, जैसे है ना ये इस तरह से टेढ़ा करके आईब्रोज, ठीक? और कभी कभी डायरेक्ट जो हम लोग रेगुलरली माइनस साइन यूज करते हैं, तो कोई कोई टेक्स्ट बुक्स में तुमको ये दिखेगा ये दिखेगा, घबराना नहीं है, दोनों का मतलब यही है। इक्विवेलेंट मत बोल देना कि सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, नहीं डिफरेंस है, तो ए डिफरेंस बी या फिर ए डिफरेंस बी। इसको पढ़ेंगे कैसे? पहला तरीका है इसको पढ़ने का कि ए डिफरेंस बी, इसको डायरेक्टली बोल देंगे ए डिफरेंस बी। दूसरा या तो बोलेंगे ए माइनस बी, इसको ए माइनस बी। तीसरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्या बोलेंगे इसको? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। इसके कहने का ये मतलब होता है बी को लिखो छोड़ के, बी को छोड़ के या फिर उसको इग्नोर करके, बी आपको लेना ही नहीं है अगर ए माइनस बी है। देखो माइनस किसके साथ लगा है? बी के साथ, मतलब बी को खलास, बी को उड़ा दो। इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट में हम इस तरह से लिखते हैं ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ए का तो पार्ट होगा, एंड
एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, बोले ना, बी को छोड़ करके तो कैसे बोलोगे तुम एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, मतलब एक्स जो पार्ट है वो बी का एलिमेंट मतलब होना ही नहीं चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आपको बोला ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है, चार एलिमेंट्स दिए। बी इज इक्वल टू बोला एफ बी डी जी, अब ए माइनस बी करना है। ए माइनस बी करने के लिए ए में से बी के एलिमेंट्स को घटा दो। सिंपल सा भाषा है कि ए के सेट में से बी के एलिमेंट्स को भगा दो। तो ए तो है मेरे पास, ए है, बी है, सी है, डी है, इसमें बी का जो जो एलिमेंट्स है उसको करेंगे डिलीट। देखो यहाँ बी में क्या है, एफ खोजो, यहाँ एफ है क्या, नहीं, बी बी है क्या, हाँ, काट डालो, भगा दो उसको। फिर डी है क्या, हाँ, काट डालो। जी है क्या, नहीं, क्या बचाना गया, ए और सी। समझ में आया? ठीक, बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब बी में से ए के एलिमेंट्स को भगा देना है। अब हम क्या करेंगे, बी के एलिमेंट्स देखो, उसमें से ए के एलिमेंट्स को भगा दो। यहाँ पे खोजो, ए है क्या इसमें, नहीं, बी है क्या इसमें, हाँ, काट डालो। सी है क्या इसमें, नहीं, डी है क्या इसमें, हाँ, काट डालो। बचा क्या रह गया, एफ जी, तो लिखेंगे एफ जी। अब तुम सोच रहे होगे, सर ये तो कमाल हो गया, ए माइनस बी जो है ना ये तो बी माइनस ए के बराबर बिल्कुल ही नहीं निकला। हाँ, नहीं होता, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अब इसी चीज को डायग्राम से, वेन डायग्राम से हम लोग देखते हैं। ए में क्या बताएं हम, ए में हमको लिखना चाहिए था ए बी सी डी, ठीक है, तो हम ए में पूरा का पूरा लिखेंगे ए बी सी डी। बी में लिखना चाहिए हमको एफ बी डी जी, तो इधर हम लिख दिए। लेकिन हम इसका पहले फाइंड कर लेते हैं कि इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, क्योंकि बीच वाला जो गोला है इसमें तो हमको इंटरसेक्शन पार्ट दिखाना है। तो हम इसे फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, क्या हो जाएगा, कॉमन क्या दिखा तुमको, बी दिख रहा है कॉमन, तो लिख दिए बी। फिर डी दिख रहा है कॉमन, तो लिख दिए डी। अब ये बी और डी कहाँ जाएगा, किधर लिखे हैं, बीच में लिखेंगे ना, तो यहां पे लिखेंगे बी लिख दिए, डी लिख दिए, क्लियर है। अब ए में हमको चाहिए था ए बी सी डी, तो इस पूरे गोले में होना चाहिए था ए बी सी डी, उसमें से बी और डी तो चला गया इधर, बचा क्या, ए और सी, तो हम लिख देंगे ए सी, इधर लिख देंगे। बी में पूरा एलिमेंट्स था एफ बी डी जी, जिसमें से बी और डी तो इधर लग गया, बचा क्या रह गया, एफ और जी। अब इस डायग्राम से संभालिए, डायग्राम से समझिए कि अगर हम पूछे इसमें से डायग्राम देख के बताओ कि ए माइनस बी क्या है, तुम कौन सा बोलोगे, ए माइनस बी मतलब ए में से बी के एलिमेंट्स को भगा दो, मतलब किसको भगा दो, इस पूरे चीज को गायब कर दो, बचेगा क्या, इस गोला में से इस पूरे गोला को अगर मान लोगे डिलीट, तो तुमको ये तो बचा रह गया ना, तुमको तो ये सिर्फ ये बचा रह गया जो ग्रीन से शेडेड है, समझा कि नहीं। तो a माइनस बी मतलब a में से b वाले टर्म्स को भगा दो, क्या एलिमेंट्स रह गया, ए सी आया ना, वही ए सी, ठीक है। अब a माइनस बी को हम b प्राइम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं b डैश या फिर b प्राइम या फिर b कॉम्प्लीमेंट, मतलब जैसे ही लिखा हुआ है किसी सेट के ऊपर लिखा हुआ है मतलब उसको छोड़ के, तो यहाँ पे b डैश लिखा है मतलब b को छोड़ करके, तो यही चीज। तो a माइनस बी बोलो या फिर b डैश बोलो, बात बराबर है। दूसरा में देखो, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था ए बी सी डी, तो ठीक है ए बी सी डी। बी में लिखना चाहिए था एफ बी डी जी, तो ठीक है फिल करेंगे, लेकिन बीच में तो कॉमन है, कॉमन में हमको क्या लिखना चाहिए था, बी और डी, तो हम कॉमन में लिख देते हैं पहले बी और डी। हमको ये भी पता है कि ए में होना चाहिए था ए बी सी डी और यहाँ है बी डी, तो लिख देंगे ए और सी। उसी तरह से बी में लिखना चाहिए था हमको एफ बी डी जी, लिख दिए एफ बी डी, बचा रह गया एफ और जी। ठीक, यहां से क्या फाइंड करना है हमको, B से A को भगा देना है, B वाले गोला से A वाले गोला को डिलीट कर देना है, तो बचा क्या रह जाएगा मेरे पास, मेरे पास बचा रह जाएगा सिर्फ ये वाला पार्ट जो रेड से शेडेड है। ठीक, अब B माइनस A वाला में क्या मिल गया हमको, F और G, क्या ये वही F और G है जो हम इधर से फाइंड किए थे, बिल्कुल ठीक। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, A डैश, A के माथे पे डैश लगाए मतलब A को छोड़ के, तो अब क्या कहोगे, इससे A को छोड़ के, A को डिलीट करके, क्लियर हो गया ना। तो आई होप ये काफी अच्छे से समझ में आएगा डिफरेंस ऑफ सेट, इसको भी नोट करिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया था ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसको छोड़ करके। अब जो हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं वो यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में, तो सिंपल सी बात है, अगर यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हो
तो उस सेट को छोड़ करके जितने बाकी रह गए उस यूनिवर्सल सेट में, सबके सब हो जाएंगे उसके आंसर। देखते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए विथ रेस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल सेट यू इज द डिफरेंस ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू एंड ए। सिंपल है, जैसे आपका ए को कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करोगे, यू माइनस ए कर दोगे ना, यू माइनस ए कर दोगे, बस हो जाएगा। वही चीज की है यहाँ पे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू यू, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश या फिर ए प्राइम पढ़ते हैं, या फिर ए डैश या फिर ए के ऊपर सी। सी मतलब कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ए डैश का मतलब होता है कैपिटल यू से आप एक सेट को माइनस कर दे रहे हो, यूनिवर्सल सेट से उस पर्टिकुलर सेट को माइनस कर दे रहे हो। इसको आप सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। समझ में आया ना, आप तो रिलेट कर पा रहे होगे, ये सब तो हम सब सीख चुके हैं। आप इस तरह से भी शो कर सकते हो, और आपकी मर्जी है कि आप डायरेक्टली सिर्फ इस तरह से शो कर सकते हो। अगर कुछ नहीं मेंशन रहता है तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, तो वो तो यूनिवर्सल सेट का टोटल सेट जो होता है वो आपका यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पे आप ने मेंशन नहीं भी करोगे कि आप एक्स जो है बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट है, तो ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट वो तो यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट होगा। तो आप इस तरह से लिखो या फिर इस तरह से लिखो, बात बराबर। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मान लो एक नेचुरल नंबर्स का सेट है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट डॉट डॉट, मतलब कह दिया कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट एकदम नंबर तक, काउंटिंग नंबर्स तक चलते चले जाओ। तो इसको हम यूनिवर्सल सेट सपोज कंसिडर कर रहे हैं, और एक सेट हम बता रहे हैं ए। ए का मतलब है सेट ऑफ ऑड नंबर्स, यहाँ पे सिर्फ आपके 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर्स होने चाहिए, डॉट 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 डॉट। अगर हम पूछे बताइए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो बोलोगे क्या कि ए का कॉम्प्लीमेंट सर और कुछ नहीं, ए को छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग ए। तो उसको हम कैसे शो करते हैं, ए डैश है। इसका मतलब वो क्या होता है, जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसमें से अगर हम इस वाले सेट को माइनस कर देंगे तो बन जाएगा मेरा ये वाला ए डैश। अब ये क्या हो जाएगा, सारे काउंटिंग नंबर से अगर आप ऑड नंबर्स को गायब कर दो तो क्या बच जाएगा, इवन नंबर्स बचेगा कि नहीं, तो लिख दोगे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 खेल खत्म। फिर बोलोगे सर 0 कहाँ गया, अरे 0 थोड़ी ना स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होता है, तो हम 1 से ही देखेंगे ना, होल नंबर रहता तब हम यहाँ पे वो सब चीज 0 इंक्लूड कर लेते, लेकिन वो तो होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट। अब हमारे पास है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, एक स्पेशल कैटेगरी है सेट थ्योरी में जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, दो सेट के बीच का सिमेट्रिक डिफरेंस। मान लो दो सेट है ए एंड बी आर टू सेट्स, देन इस सेट को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। सिंपल, उसका नोटेशन होता है ए ट्राइंगल बी, ए ट्राइंगल बी, और उसको उसका मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। आगे काम लगेगा, बहुत काम लगेगा। सपोज मान लो ए एक सेट है ए बी सी डी ई, लिख दिया। दूसरा बी सेट है सपोज बी ई एफ जी एच, कर दिया। अब मुझे फाइंड करना है यहां पे ए ट्राइंगल बी, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है इस दोनों सेट का। तो हम डेफिनेशन से क्या बोल सकते हैं, ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। तो अलग अलग फाइंड करें पहले, चलो ए माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। ए माइनस बी कहने का मतलब है कि ए से बी को गायब करो, ए से बी को गायब करो, तो खोजो यहाँ बी है, हाँ डिलीट मारो इसको, चलो गायब हो गया ये। फिर ई गायब हो गया, एफ जी एच तो है नहीं, तो हमको ये पता चला कि बी और ई को डिलीट करना है, बचेगा क्या ए सी डी, लिख देते हैं हम इधर यहाँ पे ए सी और डी। उसी तरह से बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब बी से ए को गायब करो, तो बी से ए को गायब करो, ए में क्या है, ए है बी है सी है डी है ई है, ठीक। यहां से इसमें तो बी और ई, बी से ए वाले टर्म्स को गायब कर देना, तो ए में तो बी है और ई है, तो बी और ई को गायब कर देंगे, बचेगा क्या एफ जी एच, लिख देंगे यहां पे एफ जी एच, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ए माइनस बी लेना है और b माइनस ए लेना है, और दोनों का यूनियन, तो ये वाले सेट और ये वाले सेट का यूनियन, यूनियन ले लेना बोवा, क्या होगा ए सी डी एफ जी एच, लिख दो यहाँ पे ए सी डी एफ जी एच,
क्लियर है? बच क्या गया इसमें, क्या मिसिंग हो गया? बी और ई क्योंकि कॉमन थे, चल गए सुटके में, है ना, खोपचे में चले गए। और जो ए ट्राइंगल बी क्या है, ये है सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस अलग होता है सेट का, सिमेट्रिक डिफरेंस अलग होता है सेट का। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहां जाओ, इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ट्राई करते हैं इसको आसान बनाने का। ऑफन ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल टी हैज द प्रॉपर्टी दैट टू ईच स्मॉल टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी देयर कोरिस्पॉन्ड्स टू अ सेट सी टी। एग्जाम्पल, इफ टी इज इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट डॉट एन, देन द एन कोरिस्पॉन्डिंग सेट्स आर C1, C2, C3 डॉट 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 CN। वी से दैट स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी इंडेक्सेस द सेट्स सी टी, एंड वेन टी इज यूज इन दिस सेंस वी कॉल टी एज एन इंडेक्स सेट। सर बहुत थ्योरी हो गया, थोड़ा सा डेमो देख के बताइए ना। देखो भूल जाओ ये सब चीज, क्या भूल जाओ, पहले डेफिनेशन लिख लेना, लिख लेना ये सब डेफिनेशन, एक्चुअली रिविजन करोगे तो काम आएगा समझने के लिए। अब देखो, मान लो सपोज कैपिटल टी हम यहां पे लिख दे रहे हैं 1, 2, 3, 4 इंडेक्स सेट बोल दिए। इंडेक्स सेट अगर टी अगर इंडेक्स सेट है तो इसका हर एलिमेंट का सेट्स होगा, हर एलिमेंट का सेट्स होगा। जैसे 1 है ना, तो इसके लिए बन जाएगा C1, 2 है तो इसके लिए बन जाएगा C2, 3 है तो इसके लिए बन जाएगा C3, 4 है तो इसके लिए बन जाएगा C4। अब पूछोगे सर C1, C2, C3, C4 में क्या डालेंगे? कुछ भी डाल सकते हो। ये हो सकता है सपोज मान लो A और B है इसमें, इसमें सपोज मान लो L और M और N है, C में सपोज मान लो E और F है, और C4 में मान लो सपोज M, N, O, P है। कुछ भी हो सकता है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये सब जो सेट्स बना है ना, तो ये सब हम जो यहां पे लिखा है ना, ये सबको इंडेक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंडेक्स। नीचे जो सबस्क्रिप्ट में लिखा है ना, ये 1, 2, 3, 4 इसी का सेट्स बना दिए, तो इसी पूरे का जो इंडेक्सेस का जो सेट है इसी को बोलेंगे इंडेक्स सेट। अब इसको यूज करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मान लो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कैपिटल टी इज इक्वल टू ए बी सी, तीन ले लिए। अगर ये इंडेक्स सेट है तो जाहिर सी बात है इसमें जो हर एलिमेंट का एक सेट बनेगा, तो हम यहाँ पे सी ए बन सकता है, सी ए में सपोज 1, 2 हम ले लिए, सी बी में सपोज हम 9 और 10 और 11 ले लिए, सी सी में सपोज हम 1 और 11 ले लिए और 12 ले लिए। इसके अंदर तो वो कुछ भी ले सकते हैं। हमको पर्पस ये इंडेक्स सेट डेवलप करने का ये था कि अंदर में जो यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखे हैं ये इंडेक्स बता रहा है, किसका? सेट्स का इंडेक्स बता रहा है। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो इसको नोट करिए। अब हम लोग बात करते हैं इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। इंडेक्स सेट तो समझ में आया था, अब इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। लेट कैपिटल ए बी द कलेक्शन ऑफ सेट्स। कैपिटल ए को मैंने कलेक्शन ऑफ बहुत सारे सेट्स का कलेक्शन माना है। सच दैट टू ईच मेंबर स्मॉल टी ऑफ कैपिटल टी देयर कोरिस्पॉन्ड्स ए मेंबर कैपिटल ए सबस्क्रिप्ट टी ऑफ ए। देन ये वाला स्टाइल से जो ए लिखा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। कैपिटल टी इज कॉल्ड द इंडेक्स सेट। मतलब सिंपल से बात है कि जो बहुत सारे इंडेक्स्ड सेट्स को आप एक साथ कलेक्ट कर दोगे तो वो इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स बन जाएगा। जैसे बहुत सारे नॉर्मल सेट्स को हम लोग एक साथ कलेक्ट करते थे तो वो क्या बनता था? फैमिली ऑफ सेट्स बनता था या क्लास ऑफ सेट्स बनता था। अब उसी तरह से अगर बहुत सारे इंडेक्स्ड सेट्स को आप एक साथ कर दोगे तो वो बन जाएगा इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। उसी को हम लोग इस तरह से कुछ स्टाइल से ए को स्टाइल मार दिया है, ए यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो चीज लिखा है आपको बोर्ड पे लग रहा होगा कि क्या ये कचड़ा लिख दिया, एक एक करके देखना। ये है सेपरेशन, पहले तो नोट कर लो इसको, वीडियो पॉज करो, इसको अच्छे से नोट करो। वो ये अलग टाइटल है, उसको अलग लिखना, और ये सब अलग अलग टाइटल है। अच्छे से फ्रेश करके थोड़ा स्पेस दे करके उसको अच्छे से नोट करना। ठीक है, नोट करो उसको। दो चीज पढ़ना है इसमें, एक आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ सेट्स और एक आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आर्बिट्ररी मतलब कुछ भी रैंडमली, यूनियन मतलब सबका मेल, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन।
Let capital T be an index set, and suppose for all small t belongs to capital T, CT is a set. ये तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इंडेक्स सेट का, ठीक. यूनियन ऑफ सेट्स CT, जो बहुत सारे आप सेट्स थे ना इंडेक्स सेट्स, तो उसको हम लोग CT से रिप्रेजेंट करते हैं. अब T का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता था, उसमें जो डिपेंड करेगा क्या क्या है उस T कैपिटल T में, उसका यूनियन अगर मुझे लेना है. यूनियन सिंबल देखो, यहाँ पे सिंबल ध्यान देना, यूनियन लिखे, बगल में हम CT लिखे हैं और नीचे में लिखे हैं स्मॉल t बिलोंग्स टू कैपिटल T. एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है यूनियन लिखने का. ये क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन CT फॉर सम स्मॉल t बिलोंग्स टू कैपिटल T. स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, एग्जाम्पल पे आएंगे. इसको आप सेट बिल्डर फॉर्मेट में आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो यूनियन ऑफ CT, यहां पे स्मॉल t बिलोंग्स टू कैपिटल T, इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू CT फॉर सम स्मॉल t बिलोंग्स टू कैपिटल T. आपको मैं एक चीज बात बता देता हूं, आपको थोड़ा सा वेल एक्वेंटेड होना पड़ेगा मैथमेटिकल लैंग्वेजेस को समझने के लिए, सीखने के लिए. इसीलिए हम धीरे 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 आपको बताए थे कि सिंपल एक बार में एक्सपोजर अगर ये सब चीज दे देते ना तो तुम्हारा हो जाता ब्रेन फ्यूज, ठीक, फ्रस्ट्रेट हो जाते तुम, मैथ्स पढ़ नहीं पाते. इसीलिए धीरे 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 ना थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सीखो कि इस, क्योंकि यही सब चीज तुमको प्रूफ्स में जरूरत पड़ेगा. तुम देख लो ऑलरेडी, तुम किताब उठाओ या प्रीवियस ईयर जो सॉल्व प्रॉब्लम्स है वो सब दिखाओ, तुम खुद देखो कि उसमें क्या इतना बड़ा बड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है. वो ऐसे तुमको याद करके नहीं जाना है, तुमको समझ के जाना है, वो मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज करना है. इसीलिए सारा मैथमेटिकल लैंग्वेज समझो धीरे धीरे चीज को. अगर कोई भी इसमें से कोई स्टेटमेंट नहीं भी समझ में आया तो पूछ लो मेरे से, इसीलिए तो हूं मैं ना, मैं हूं. पूछ लो, सब कमेंट करके पूछ लेना है, व्हाट्सअप में मेरे को डायरेक्ट पूछ लेना है सारा स्टेटमेंट. अगर कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं नहीं चाहता कि मेरे विद्यार्थी इतू सा भी डाउट रहे उनको, ठीक. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल पे है कैपिटल T इज इक्वल टू ए बी सी डी. एक सेट ले लिया, उसमें कितने ले लिए, चार एलिमेंट्स ले लिए. अब तुम ये बताओ ए बी सी डी ये क्या है, क्या हम इसको इंडेक्स बोल सकते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि यहां पे T को हम इंडेक्स सेट कंसिडर किए हैं. अब इंडेक्स सेट लिए हैं तो जाहिर सी बात है हम उसमें तो इंडेक्सीज होगा, इंडेक्स. तो ए बी सी डी ये सारे इंडेक्स हैं. अब हर इंडेक्स का अपना अलग सेट होगा. तो देखो यहां CA के लिए अपना अलग सेट, CB के लिए अपना अलग सेट, CC के लिए अपना अलग सेट, CD के लिए अपना अलग सेट. अब सवाल उठेगा, सर यहाँ CA को आपने 1, 2 ही क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं ले लिया? अरे ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है. ये जरूरी नहीं कि इसी से आपको ये मिलेगा, ये सब आपको ऑलरेडी दिया रहेगा, ठीक है. तो CA, CB, CC, CD इतना आपको पता है. अगर हम बोले कि यूनियन फाइंड करिए CT T belongs to, मतलब इसका इंडेक्सेस का, ये जो इंडेक्सेस का सेट्स है ना, इसका आप यूनियन फाइंड करिए. तुम क्या करोगे? इसका 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 चार सेट्स है ना, बस यूनियन फाइंड कर दो. क्या है इसमें? इसमें देखो 1, 2 है, 1, 2, 3, 4 है, 3, 4, 5 है, 1, 3, 5, 7 है. तो जो भी नंबर्स आ रहे हैं सबको यूनियन कर दीजिए ना. तो यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7. बस सबका आप यूनियन करना तो जानते हैं, तो सबका आप यूनियन करेंगे आपको ये मिलेगा. नोट करने वाली दो पॉइंट चीज, पहला मान लीजिए अगर T इज इक्वल टू है कोई भी एक इंडेक्स सेट मैंने बना दिया 1, 2, 3, 4 डॉट 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 करके n तक, इसका अगर आपको यूनियन करना है तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है आपको C1, C2, C3, C4 सबका यूनियन करना पड़ेगा. उसी को आप स्टैंडर्ड या सेट बिल्डर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे आप? यूनियन ऑफ CI, I इज इक्वल टू 1 से लेके n. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 से लेकर के n तक है, ठीक है. Yes, x such that x belongs to CI for at least one i. ये कहने का मतलब है कि यूनियन कर दीजिए. यहाँ पे जो आप सेट्स बनेगा ना, क्या क्या बनेगा? C1, C2, C3, C4 डॉट 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 CN तक बनेगा. तो सबका आप यूनियन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, बस. दूसरा नोट पॉइंट, अगर मान लीजिए कोई आपका इंडेक्स सेट सिर्फ सिंगल टन है, सिंगल टन का मतलब सिर्फ एक इंडेक्स या एक एलिमेंट है ना यहाँ पे ए, तो यहाँ से अगर आप इसका यूनियन करेंगे तो आपको तो सिर्फ एक ही मिलेगा ना. एक से अधिक कहाँ पैदा करेंगे आप? एक ही मिला तो आपको तो सिर्फ यही मिला. ये समझ में आपका? आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक. अब देखिए आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, अब सेट्स का हम आर्बिट्ररी रैंडमली इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे.
सेम चीज जो यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन दिया ना, सेम चीज यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं. लेट कैपिटल टी बी एन इंडेक्स सेट एंड सपोज फॉर ऑल स्मॉल टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी, सी टी इज अ सेट. उसी तरह से सी टी को सेट डिफाइन किया. अब इंटरसेक्शन का सिंबल तो हम इसे हाथी वाला जो उल्टा करके दिखाते हैं, ठीक. सो ये सी टी, टी बिलोंग्स टू टी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन सी टी फॉर ईच टी बिलोंग्स टू टी. आपको इंटरसेक्शन करना है तो वही चीज, आपको हर चीज का इंटरसेक्शन जितने भी होगा सबका इंटरसेक्शन. एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर होगा. ये है आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये आपको पता होना चाहिए. समझने के लिए एग्जांपल दिया जाता है. ये डेफिनेशन समझने के लिए नहीं होता, ये एक प्रारूप होता है उसको डिफाइन करने के लिए. समझने के लिए आपको एग्जाम्पल होता है, इसमें भेजा नहीं खराब करेंगे. ये आपको तब समझ में आएगा जब आप एग्जाम्पल समझेंगे, तब आप इधर देखेंगे तब समझ में आ जाएगा. इसलिए जब आप प्रूफ्स करेंगे या डेफिनेशन लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे, अपना आंसर लिखेंगे, तो आपको ये सब लैंग्वेजेस प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिए, सीख लीजिए. इसलिए हम कोई फास्ट होकर नहीं पढ़ा रहे, आराम से प्यार से पढ़ा रहे हैं. हम नहीं कहीं भाग रहे हैं, आप नहीं कहीं भाग रहे हैं, ठीक है. और मेरा भी ऐसा कोई भी होता ना कि क्रैश कोर्स, तो इसीलिए मुझे क्रैश कोर्स मुझे पसंद नहीं है क्रैश कोर्स, क्योंकि उसमें टाइम बाउंडेशन लिमिटेशंस होता है. और फिलहाल अभी आई एम नॉट दैट केपेबल इनफ, क्योंकि मेरे पास कुछ ही चंद घंटे हैं. उसी चंद घंटों में से मैं कुछ घंटे आपके लिए निकाल पा रहा हूँ. टी इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो हर ए, हर बी, हर सी, हर डी सबके लिए तो सेट बनेगा ना. तो सी ए के लिए बन गया ना, सी ए के लिए 1 2 3 बन गया, सी बी के लिए अलग सेट बन गया, इस सी सी के लिए अलग सेट बन गया, सी डी के लिए अलग सेट बन गया. अब आपको फाइंड करना है इसका इंटरसेक्शन. अरे तो सिंपल है ना, ये सबका इंटरसेक्शन ही फाइंड कर दीजिए बस. इसमें 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 चार सेट्स हैं जो कॉमन मिले, लिख दीजिए यहाँ पे. तो हमको तो इधर दिख रहा है 2 3 दिख रहा है, 2 3 2 3 2 3 2 3 कॉमन मिल गया, बन गया मेरा. ये नोट करने वाली दो पॉइंट है, जैसे इधर आपने दो पॉइंट नोट किया था उसी तरह से यहाँ पे भी आप नोट करेंगे दो पॉइंट. अगर मान लीजिए कोई टी है एक इंडेक्स सेट 1 से लेकर n तक, इसका आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है 1 से लेकर n तक, तो आप क्या करोगे, सब का आप इंटरसेक्शन फाइंड करो. जैसे आपने यहाँ पे कितने थे, 4 थे, तो 4 सेट्स का आपने इंटरसेक्शन फाइंड किया था. उसी तरह से 1 से लेकर n सेट्स हैं, n इंडेक्स हैं, तो हर n इंडेक्सेस का n सेट्स बनेगा, तो उन n सेट्स का आप इंटरसेक्शन फाइंड कर दीजिए. लास्ट वाला पॉइंट, अगर मान लीजिए कोई एक इंडेक्स सेट आपका सिंगलटन है, मतलब सिर्फ एक इंडेक्स है या सिर्फ एक एलिमेंट है, तो उसमें आप इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो सिर्फ एक ही रहेगा ना, क्योंकि एक ही एलिमेंट रहेगा. तो इसका क्या करने का, सी ए है तो ए है तो बस सी ए फाइंड हो जाएगा. क्लियर हो गया सारी चीजें. सेट्स, इंडेक्स्ड सेट, इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स, आर्बिट्री यूनियन ऑफ सेट्स, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. अब आज के लेक्चर के लिए आखिरी चीज बचा हुआ है, कुछ लॉज महत्वपूर्ण, उसको आप नोट करिए और उसको आप खा जाइएगा. लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, लॉज ऑफ एलजेब्रा सेट्स. सजेस्टेबल ये है कि ये जितने भी 6 लॉज हैं, ये आपको कहाँ होने चाहिए पता है आपको, किधर होने चाहिए, इधर 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 फूक दोगे ऐसे तो कॉपी में पढ़ जाना चाहिए, ठीक ना. तो ऐसे याद रहना चाहिए इसको. पहला है कम्यूटेटिव लॉ, असोसिएटिव लॉ, इडम्पोटेंट लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, डी मॉर्गन्स लॉज और अनदर फॉर्म ऑफ डी मॉर्गन्स लॉज. कम्यूटेटिव लॉ ये बोलता है कि अगर आप ए यूनियन बी करते हो या फिर आप बी यूनियन ए करते हो तो दोनों की वैल्यू होगी बराबर. ए इंटरसेक्शन बी करते हो या बी इंटरसेक्शन ए करते हो तो दोनों की वैल्यू होगी बराबर. असोसिएटिव लॉज मतलब एसोसिएशन, एसोसिएट कर जाएगा. ए यूनियन बी यूनियन सी, ये बी यूनियन सी को आपने अलग किया फिर ए का यूनियन इसके साथ कर दिया तो फिर क्या करेगा, ए यूनियन बी फिर इससे साथ एसोसिएट हो जाएगा, फिर सी कर सकेगा. मतलब इंटरचेंज इस तरह से कर सकते हैं, आप पहले इस दोनों को करिए फिर इसके साथ यूनियन करिए, या फिर इसको यूनियन करके फिर इसके साथ यूनियन करिए. बात बराबर, उस वही रूल आपके लिए फिर इंटरसेक्शन पे भी वैलिड होती है. जैसे ए इंटरसेक्शन करेंगे आप बी इंटरसेक्शन सी का, फिर ए इंटरसेक्शन बी कर लीजिए पहले, फिर इंटरसेक्शन से करिए, आपको मिलेगा सेम. इडम्पोटेंट लॉ का मतलब कोई भी सेट खुद के यूनियन का बराबर होता है. तो अगर ए का यूनियन करेंगे ए के साथ तो आपको ए मिलेगा, ए का इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो ए मिलेगा. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है. जैसे यहां आपको दिख रहा है कि ए इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी, तो ये ए का इंटरसेक्शन एक बार आप बी के साथ करेंगे, ए का इंटरसेक्शन आप एक बार सी के साथ करेंगे, और यहां पे यूनियन तो चला आएगा यहां पे यूनियन,
उसी तरह से ए का यूनियन पहले एक बार बी के साथ करेंगे, ए का यूनियन आप एक बार सी के साथ करेंगे, फिर यहाँ है इंटरसेक्शन, ये चला आया इंटरसेक्शन यहाँ पे, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर गया। फिर आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में ए माइनस ऑफ बी यूनियन सी, आप ये अगर फाइंड करते हैं तो इसका मतलब होता है ए माइनस बी आप पहले फाइंड करेंगे, फिर ए माइनस सी फाइंड करेंगे, यहाँ है यूनियन तो बन जाएगा इंटरसेक्शन। ये ध्यान रहे डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे आप यूनियन देख रहे हैं और इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए वरना भूल जाएंगे, और यहाँ पे आप इंटरसेक्शन देख रहे हैं, पलट गया ना, सिंबल पलट गया। उसी तरह से ए माइनस करेंगे आप बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले आप ए माइनस बी अलग फाइंड कर लीजिए, ए माइनस सी अलग फाइंड कर लीजिए, और क्योंकि यह है यहाँ पे इंटरसेक्शन तो उधर हमको करना पड़ेगा यूनियन, ठीक। ये रहा मेरा डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है लेकिन अनदर फॉर्म है। इफ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ ए यूनिवर्सल सेट यू, उस केस में ए यूनियन बी, उसका अगर आप प्राइम फाइंड करते हैं या उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तब साइन आपका पलट जाता है, यहां पे भी आपका साइन पलट जाता है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका जस्ट अपोजिट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे कब कहां, लेवल थ्री में। अभी आपको वेरीफाई करना है तो आप कुछ भी उठा करके आप एग्जांपल करके वेरीफाई कर सकते हैं। देख लीजिए यहां पे मैं एक वेरीफाई कर दे रहा हूं। सपोज एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया ए इज इक्वल टू एक सेट ले लिया ए बी सी डी, ये ले लिया। दूसरा एक सेट ले लेता हूं B इज इक्वल टू सपोज B C D E F, ये ले लिया। अब चलो हम वेरीफाई करते हैं लास्ट वाले को, बाकी सब आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। लास्ट वाले को वेरीफाई करते हैं, पहले फाइंड करते हैं A इंटरसेक्शन B और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो हम फाइंड करते हैं A इंटरसेक्शन B निकालते हैं। A और B में कॉमन क्या दिख रहा है हमको, हमको तो दिख रहा है कि B C D कॉमन है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे B C और D कॉमन है, ठीक है। अब बी सी डी क्योंकि कॉमन है, अब ए इंटरसेक्शन बी निकल चुका है, इसका हमको फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट। तो बताइए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ करके, इसको छोड़ करके बाकी सब कुछ। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमको एक यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें सब कुछ हो, ए बी हो, बी बी हो, है ना, सब कुछ हो। तो हम एक यूनिवर्सल सेट बना दे रहे हैं, क्योंकि ये किसके लिए वैलिड है, यूनिवर्सल सेट के लिए, और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का ही ए भी सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं, हम सब ले लेते हैं इसमें, ए का एलिमेंट्स भी ले लेते हैं, बी का एलिमेंट्स भी ले लेते हैं। तो अब ए बी सी डी ई एफ ये मैंने ले लिया एक यूनिवर्सल सेट। अब क्या हम बोल सकते हैं ये यूनिवर्सल सेट का ए एक सबसेट है? यस। क्या इस यूनिवर्सल सेट का ए बी एक सबसेट है? यस। अगर ये तो सबसेट है, ये सबसेट है इस यूनिवर्सल सेट का, तो क्या ये डी मॉर्गन्स लॉ वैलिड होगा? हाँ, इसीलिए वही तो वेरीफाई कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकाला, वेरी गुड। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके। तो इस यूनिवर्सल सेट में से बी सी डी को गायब करिए, बी सी डी गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए ई एफ। क्या मिल गया, ए ई एफ मिल चुका है हमको, एल एच एस मिल चुका है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एल एच आर एच एस में क्या है आपको, ए डैश। तो यहाँ आप ये ए डैश देखिए, ए डैश फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए को छोड़ के, ए को मतलब ए बी सी डी गायब कर दीजिए, बचेगा क्या आपका, ई और एफ बचेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ई एफ, समझ में आया। फिर बी डैश फाइंड करना है, मतलब बी को छोड़ करके, बी में क्या है, बी सी डी ई एफ, मतलब बी सी डी ई एफ ये सब गायब कर दीजिए, बचेगा क्या, ए, यहां पे बच गया ए। अब क्या करना है, ए प्राइम मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना है। तो इस वाले सेट और इस वाले सेट का यूनियन करते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट करिए इस दोनों को, तो आपको क्या मिलेगा, ए ई एफ। अब आप बताइए जो आपने LHS में फाइंड किया था A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट AEF, क्या ये वही के बराबर है जो AEF आपने निकला था? ध्यान रहे ये प्रूफ नहीं है, प्रूफ हम करेंगे,
ये हम वेरिफिकेशन किए हैं। इसी तरह से आपको अगर कुछ डाउट हो, बाय चांस आप भूल जाएं, तो इस तरह से आप कुछ एग्जांपल लेकर के कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना, और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। प्रूफ हम लोग करेंगे लेवल 3 में, वो तो हम ऑलरेडी हर लेक्चर में बताते हैं। सेट थ्योरी हमारा हो चुका है खत्म, टॉटोलॉजी भी कर चुके हैं खत्म। अब अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस और मैपिंग्स, जो कि एक एक्सटेंशन है सेट थ्योरी का। फंक्शंस और मैपिंग्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर चलेंगे बाइनरी ऑपरेशन में। वहां से जर्नी धीरे 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 हम लोग ग्रुप्स का थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलेगा, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं, अभी अभी है, अभी बहुत सब कुछ पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्लॉक 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 अर्थमेटिक पढ़ेंगे, मॉड्यूलर अर्थमेटिक पढ़ेंगे, नंबर थ्योरी पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स के अलग अलग डायमेंशंस को इतने मजे तरह से, इतना आसान तरीके से पढ़ेंगे कि आप मैथमेटिक्स को अभी जैसे देख रहे थे किसी और नजर से आप देखेंगे उसको, किसी और डायमेंशन से देखेंगे, आपको काफी मजा आएगा, प्रोवाइडेड आप अगर अच्छे से सीखेंगे। आई होप इतने लेक्चर्स आप कंप्लीट किए हो तो आपको कुछ कुछ तो मजा आया होगा, मेरा मेहनत एटलीस्ट बेकार तो नहीं जा रहा होगा, कुछ तो कुछ हेल्प हो रहा होगा वैसे लोगों को जो कंफ्यूजन लग रहा था, या मॉडर्न अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा काफी टफ लग रहा था। मैं काफी कोशिश कर रहा हूं कि ये जो भी टफनेस है ना, इसको मैं कम करके, रिड्यूस करके गायब कर दूं और काफी सब्जेक्ट और कोर्स को आसान बना दूं। जैसा लग रहा है गिव मी फीडबैक, कमेंट में लहराएं। अगर आप नए हैं तो देखिए देखिए नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन, अपने नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, क्लिक एंड ऐड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय एंड टेक केयर।